क्या गैस स्टोव इतना खतरनाक हो सकता है कि एक देश उसे बैन करने पर उतारू हो? क्या गैस स्टोव के इस्तेमाल से आने वाली जनरेशन को खतरा है? तो इन सवालों का जवाब है हाँ। गैस पर खाना बनाना स्मोकिंग करने से कम नहीं है, लेकिन ये हम नहीं कह रहे, ये बात अमेरिका की एक रिसर्च में कही गई है, जिसके बाद सरकार से गैस चूल्हे को बैन करने की याचिका लगाई जाने लगी। घरों में गैस स्टोव के इस्तेमाल पर रोक लगाने पर विचार हो रहा है, लेकिन फिलहाल व्हाइट हाउस ने गैस स्टोव पर प्रतिबंध करने का समर्थन करने से साफ मना कर दिया है। शायद आप सोच रहे होंगे कि ये पूरा मामला क्या है, क्यों गैस चूल्हे को लेकर अमेरिका में बात व्हाइट हाउस तक पहुंची है। दरअसल अमेरिका में एक स्टडी में सामने आया है कि गैस स्टोव घरों में प्रदूषण का स्तर बढ़ाते हैं। इनसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसें और पार्टिकुलेटेड मैटर निकलते हैं। ये बच्चों, बुजुर्गों और हर उम्र के लोगों में अस्थमा, कैंसर और सांस की दूसरी बीमारियों की बड़ी वजह है। वहीं दिसंबर 2022 में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल रिसर्च एंड पब्लिक हेल्थ में आई एक स्टडी में बताया था कि अमेरिका में बच्चों में जो दमे की बीमारी बढ़ रही है, उसमें 12.7% के लिए गैस स्टोव जिम्मेदार है। 6 लाख से ज्यादा अमेरिकी बच्चों में अस्थमा गैस स्टोव के कारण हुआ है। गैस स्टोव के इस्तेमाल की बात की जाए तो 35% परिवार गैस स्टोव का इस्तेमाल करते हैं। कैलिफोर्निया और न्यू जर्सी जैसे राज्यों में यह अनुपात 70% तक है। इसे डिटेल में समझे तो वॉक्स की रिपोर्ट कहती है कि जब आप गैस स्टोव पर खाना बनाते हैं, तब आप कुकर या ओवन चालू करते हैं तो शुरू में मीथेन गैस निकलती है, जो एक शुद्ध प्राकृतिक गैस है, लेकिन बाद में धीरे धीरे कार्बन मोनोऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसें निकलती है, जिसके पार्टिकुलेटेड मैटर आपकी रसोई में जमा हो जाते हैं और ये लोगों में, खास करके छोटे बच्चों में, दमे की बीमारी पैदा करते हैं। कोलोराडो बोल्डर यूनिवर्सिटी की एक एनवायरमेंटल इंजीनियर शैली मिलर कहती है कि खाना बनाना नंबर 1 तरीका है जिससे आप अपने घर को प्रदूषित करते हैं। वे दावा करती है कि ये रेस्पिरेटरी और हार्ट प्रॉब्लम की वजह है, साथ ही बच्चों में फ्लू, अस्थमा और क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज को बढ़ा रहा है। अमेरिकन साइंटिस्ट तालोर ग्रुएनवाल्ड कहते हैं कि अमेरिका में लगभग 6,50,000 बच्चे अस्थमा से पीड़ित हैं। वे आज बीमार नहीं होते अगर वे गैस स्टोव के संपर्क में नहीं आते। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि पेट्रोल स्टोव का इस्तेमाल करना घर में एक स्मोकर को रखने जैसा है। गैस स्टोव सेकंड हैंड स्मोकिंग से कम नहीं है। इन स्टडीज के सामने आने के बाद बच्चों में हो रही दमे की बीमारी और गैस स्टोव के खतरे को देखते हुए देश में कार्रवाई की मांग बढ़ने लगी। पिछले महीने कंज्यूमर प्रोडक्ट सेफ्टी कमीशन को एलिजाबेथ वॉरेन और बर्नी सैंडर्स सहित 20 डेमोक्रेटिक सीनेटरों ने लेटर भी लिखे और गैस स्टोव को लेकर चिंता जताई, जिसके बाद अमेरिका के कंज्यूमर प्रोडक्ट सेफ्टी कमिश्नर रिचर्ड ट्रूमका जूनियर ने गैस चूल्हे को छिपा हुआ खतरा बताया है और कहा है कि जिस प्रोडक्ट को सुरक्षित नहीं बनाया जा सकता है, उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 हिंदी ओरिजिनल्स पर।